माँ दुर्गा के नौ रूपों का संक्षिप्त वर्णन। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ है पर्वत और देवी पार्वती हिमालय पर्वत की पुत्री हैं, इसलिए देवी को शैलपुत्री कहा जाता है। इस रूप में देवी एक बैल पर सवार, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल लिए रहती हैं। दूसरे दिन यानी द्वितीया को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यहाँ देवी नंगे पैर चलती हैं और उनके हाथों में एक जपमाला और एक कमंडल देखा जा सकता है। इस रूप में पार्वती महान सती बन गईं और उनके अविवाहित स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। तीसरे दिन यानी तृतीया को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह नाम इस तथ्य से निकला है कि भगवान शिव से विवाह करने के बाद उसने अपने माथे पर आधा चंद्र चंद्रमा सजाना शुरू कर दिया था। यहाँ देवी के पास 10 दिन हैं और वह बाघ की सवारी करती हैं। चौथे यानी चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस रूप में देवी को ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, जिनके पास सूर्य के अंदर रहने की शक्ति और क्षमता है। देवी के अष्टभुज रूप को इस दिन पूजा जाता है। पंचमी अर्थात पांचवे दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता या स्कंद की माँ अर्थात भगवान कार्तिकेय की माँ। माँ दुर्गा इस चतुर्भुज रूप में अपने एक हाथ में बच्चे के साथ शेर की सवारी करती हैं। नवदुर्गा के छठे दिन अर्थात षष्ठी के दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। देवी का यह योद्धा रूप सबसे हिंसक रूपों में से एक माना जाता है। देवी का यह नाम ऋषि कात्या के घर पैदा होने के कारण पड़ा है। इस अवतार में देवी सिंह की सवारी करती हैं और उनके चार हाथ हैं। दुर्गा के सातवें रूप देवी कालरात्रि की पूजा सप्तमी को की जाती है। किंवदंतियों का कहना है कि देवी अपनी त्वचा के रंग को छोड़ राक्षसों शुंभ और निशुंभ के सहार के लिए काले रंग को धारण करती हैं। माता का यह चतुर्भुज रूप गधे पर सवार रहता है। अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी का अर्थ है अत्यंत सफेद, महा का अर्थ है महान और गौरी का अर्थ सफेद। यह नाम इस तथ्य से निकला है कि पार्वती का रंगोरा था। यहाँ वह एक बैल की सवारी करती है और उसके चार हाथ हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी को नवदुर्गा के नवे रूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। लोग देवी सिद्धिदात्री से प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि माँ चतुर्भुज रूप मर कमल पर बैठी वह सभी प्रकार की सिद्धियों को धारण करती हैं और उन्हें अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। इस चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ दुर्गा के नौ रूप और उनकी पूजा आशीर्वाद आपके और आपके प्रियजनों के लिए नए वर्ष में नई उम्मीदों और आशाओं के साथ ढेर सारी खुशियां लाए और संतत संपत्ति सब प्राप्त हो।